नमस्ते, मैं मेघा, न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत। आज शुक्रवार है, हम मूवमेंट फ्राइडे प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इसका विषय है आपको कैसी सरकार चाहिए। ऐसे विषयों के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ छात्र प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्होंने हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। आइए सुनते हैं एक छात्र क्या कहता है। लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती हूं। मुझे एक ऐसा सरकार चाहिए जो कि शिक्षा के क्षेत्र पे बहुत ज्यादा ध्यान दे, शिक्षा को लेके मतलब वो थोड़ा सोचे, जैसे कि यहाँ पे और हिंदी भाषियों को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दे, क्योंकि ये यहाँ पे बंगाली लोग, बंगाली मीडियम के बच्चे ज़्यादा है। कोई कोई पेपर ऐसा आता है जिसमें बंगला का ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, जिससे हिंदी के जो स्टूडेंट रहते हैं वो क्षेत्र में मतलब कुछ बंगाली बच्चे से पीछे रह जाते हैं, अपना मतलब बात अपना ये पेपर को पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर पढ़ नहीं पाते, क्योंकि हम लोग हिंदी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिहारी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण मतलब हम लोग ये सब कारण पीछे रह जाते हैं। और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, तो जिससे लड़कियों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, अलग मतलब स्टेट जाना पड़ता है या अलग कंट्री जाना पड़ता है, तो हर फैमिली जाने का परमिशन नहीं देते हैं, जिससे लड़कियों की जो इच्छा होती है वो मतलब अधूरी ही रह जाती है, वो अपना इच्छा पूरा नहीं कर सकते हैं। फिर सरकारी स्कूल में मतलब जो बच्चों की संख्या है वहाँ पे मतलब लापरवाही ज़्यादा है, टीचर्स की लापरवाही ज़्यादा है, जिससे सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो कम होते जा रहे हैं, मतलब पढ़ाई की तुलना में ज़्यादा गार्जियन सोचते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाएं, लिखाएं और आगे बढ़ाएं। फिर आपका जो बात है फ्री एडुकेशन या फ्री राशन, उसमें हम एक स्टूडेंट होने के इसमें फ्री एडुकेशन पे ही ज़्यादा तर्क देते हैं, क्योंकि जो गरीब बच्चे होते हैं वो मतलब पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो ऐसा होते हैं जो कि दुकानों में काम करते हैं, वो लोग को मतलब ABCD हो, 1-2 हो, ये सब का भी नॉलेज नहीं होता। अगर हम एडुकेटेड है तो हम कमा के खा सकते हैं, अच्छा से मतलब अपना सेटल कर सकते हैं ज़िंदगी, पर अगर हम एडुकेटेड नहीं है तो फिर हम अपना ज़िंदगी नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि बच्चों के लिए ही नहीं, जैसे हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को निःशुल्क शिक्षा यहाँ पे भी दिया जाता है, बाकी अदर कॉलेज को भी, जैसे कॉलेज के भी जो स्टूडेंट हो वो लोगों को भी अदर कंट्री में, जैसे नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सब जगह में कंट्री में वहाँ पे मतलब बच्चे का साथ साथ बड़े लोगों को भी मतलब जो कॉलेज के पढ़ाई करती है, प्रोफेशनल पढ़ाई करती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं वो लोगों को भी मतलब फ्री में एडुकेटेड दिया जाता है, जिससे अदर कंट्री अदर स्टेट के लोग वहाँ जाते हैं पढ़ने, शिक्षा लेते हैं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक व्यवस्था क्या है, स्टूडेंट लोन से क्या हो जाता है, मतलब स्टूडेंट लोन एक कर्ज की तरह हो गया, अगर हम लोग कर्ज के ही माथे में मतलब दबे रह जाएंगे तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे या फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, अगर हम लोन ही बढ़ते रहेंगे तो हमारा देश कैसे बढ़ेगा, स्टूडेंट तो पीछे ही रह जा रहा है कोई कोई क्षेत्र में। इसीलिए मुझे एक ऐसा सरकार चाहिए जो कि शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा सोचे और मतलब बच्चे के साथ साथ बड़े का भी मतलब फ्री एडुकेटेड देने की व्यवस्था करें। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी, तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609773040।
आपको मुफ्त राशन या मुफ्त शिक्षा क्या चाहिए? समाचार का यह भाग प्रायोजित टीवीएस पीएसजे द्वारा। आइए जानते हैं एक छात्र की राय। फ्री एजुकेशन चाहिए कि फ्री राशन चाहिए, आपके हिसाब से कौन सा चीज ज्यादा सुटेबल है आपका नौकरी होने के लिए? मेरा नाम अमित कुमार दत्ता है, मैं सरस्वती मंदिर लाइब्रेरी में पिछले 4 वर्षों से प्रतियोगिता परीक्षाओं का तैयारी कर रहा हूँ। पिछले 4 वर्षों में जो रेलवे की वैकेंसियाँ है उनका नियमित कैलेंडर एक नहीं है, क्योंकि जो रेलवे है पिछले 4 वर्ष पहले वैकेंसियाँ निकाली है, इसके बाद इसकी नियुक्ति करने में 3 या 4 साल की समय लगा दे रही है, जिसके कारण बहुत से बच्चों को बहुत सारा असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। किसी का घर का परिस्थिति इतना सही नहीं है जिसके कारण उनको दूसरा काम भी करना पड़ रहा है। तो मेरा सरकार से गुजारिश सही रहेगा कि जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियाँ हैं उनके लिए एक नियमित कैलेंडर जारी करना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में हम बोलेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ पर जितने देश में नौजवान हैं बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत से अभिभावक या गार्जियन हैं जिनके द्वारा बच्चों को महंगे स्कूलों या विद्यालयों में पढ़ाने की क्षमता इतना नहीं हो पाती, जिसके कारण वो अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा सकते हैं। मुफ्त शिक्षा के कारण पढ़ भी सकेंगे जिससे वे अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चे हैं जिनको इच्छा रहती है कि आगे पढ़ें, मगर अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो अपनी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, जिसके कारण उनको कोई प्राइवेट जॉब या कोई छोटा मोटा काम धंधा उनको खोजना पड़ता है, या वो लेबर का कूली का आदि का काम करते हैं। इसलिए हम सरकार से चाहेंगे कि सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, और जितनी भी सरकारी वैकेंसियाँ हैं उनको नियमित रूप से एक कैलेंडर के माध्यम से आगे बढ़े। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट फर्स्ट फ्लोर असनसोल 713301। प्रोडक्ट्स आर बायोटिक गार्नियर एवर यूथ निविया सहनाज मैमथ ओ3 प्रोफेशनल लोटस प्रोफेशनल पतंजलि जॉबिस नेचर्स मेंस ग्लो प्लम एम कैफिन वीएलसीसी गुड वाइब्स ओला फेम ऑर्गेनिक राजा सुगर लैक्मे वेबलिन लोटस कलर पॉन्ड्स सिल्क मैट्रिक्स लोरियल बेला एट्सेट्रा। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9126767709। विभिन्न विभागों में रिक्तियां कम हो गई है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आइए हम जानते हैं कि एक छात्र क्या कहता है। नहीं निकली है, जैसे कृषि विभाग हो गया, मत्स्य विभाग हो गया, वन विभाग हो गया, अग्निशामक विभाग हो गया, समुद्र विज्ञान विभाग हो गया, बहुत सारा ऐसी वैकेंसियां है जो आती ही नहीं है, जिसके कारण बहुत सारा विद्यार्थी है जो इनमें नहीं जा सक रहे हैं, वो वैकेंसी अभी तक रद्द पड़े हुए हैं, जिनके कारण बहुत से सरकार में भी सीट खाली है। जो सरकारी सीट है उसमें बच्चे जो भी सरकारी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं वो नहीं जा सक रहे हैं। इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश रहेगी सभी विभागों में नियुक्तियां बराबर कराते रहें। बस धन्यवाद। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप जीटी रोड असनसोल 1।
আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9563404288 and 8918940868। जब बिहार सरकार युवाओं के लिए पद दे सकती है तो दूसरों के लिए क्यों नहीं। समाचार का यह भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। आइए जानते हैं युवाओं के लिए सरकारी सेवाओं के बारे में एक छात्र के विचार। फिर वही नहीं दिखाई देगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। आरक्षण होना चाहिए या नहीं। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आइए आरक्षण पर एक छात्र के विचार सुने। शिक्षा के क्षेत्र में या नौकरी क्षेत्र में, दोनों में रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए। मेरा नाम अंजलि कुमार पाठक है, मैं सरस्वती मंदिर प्रतियोगिता लाइब्रेरी में तैयारी करती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मेरा यही है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि SC ST SC ये सब को जो छूट मिलता है उससे जो जनरल कैटेगरी का है उसको बहुत ही प्रॉब्लम होता है, जिससे वो लोग कम मार्क्स भी लाकर उन लोगों को जॉब मिल जाता है और हम लोग अभी जो काबिलियत होता है उसको भी नहीं देख पाते हैं। हम लोग ज़्यादा नंबर लाकर भी उन लोगों के साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर पाते, वो लोग कम नंबर लाकर भी वो लोग जॉब ले लेते हैं। तो मेरा कहना यही है कि वो लोग जो SC ST OBC जनरल ये जो डिवाइड है वो नहीं होना चाहिए, एजुकेशन के क्षेत्र में सब सेम होना चाहिए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। एडमिशन्स ओपन नाउ एट सेंट क्रिस्टोफर मिशन स्कूल रन बाय एंग्लो इंडियन सोसाइटी अफिलिएटेड टू CBSE दिल्ली। Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12,
It's time for your child to explore the creativity. Thank you. सबसे ज्यादा क्या चाहिए, मुफ्त राशन या मुफ्त शिक्षा? समाचार का यह भाग प्रायोजित एंजल द्वारा। मुफ्त शिक्षा या मुफ्त राशन पर छात्रों के अपने अपने विचार हैं। मेरा नाम सुधा कुमारी है, मैं सरस्वती मंदिर लाइब्रेरी की छात्रा हूँ। मेरा मत है कि मुझे सरकार ने फ्री एजुकेशन या फ्री राशन का सरकार, तो मुझे फ्री राशन वाली सरकार चाहिए, क्योंकि अगर जीवन को ऊंचा जीने के लिए तो पढ़ाई की जरूरी होती है, लेकिन हम लोग अगर नहीं पढ़ाई तो निम्न सैली करके भी जीवन जी सकते हो। मतलब कि जीवन को जीने के लिए तो भोजन जरूरी है, लेकिन अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो जीवित रह सकते। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। सरकार में अपराधी चुने जाते हैं, यह गरीब लोगों की कैसे मदद कर सकता है? समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। आइए सुनते हैं सरकार में चुने जा रहे अपराधियों के बारे में विचार। जो दो फेज का इलेक्शन हुआ, इसमें जो लोग सरकार के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें लगभग 30-40% क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्रिमिनल टाइप के लोग जब सरकार में जाएंगे तो वो आपके लिए सोचेंगे या क्रिमिनल्स के लिए सोचेंगे? हम लोग जैसे क्या होता है, जैसे एक मतलब एक स्टेट है कि हम लोग एक जिला, अगर मतलब जिला को चलाने के लिए इतना पढ़ाई करना पड़ता है, इससे ज़्यादा एग्जाम देना पड़ता है, कि जैसे जिला छोड़ा जिला चलाने के लिए IAS एग्जाम देना पड़ता है। तो इतना बड़ा स्टेट है कि उसको चलाने के लिए वैसा एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, तो क्रिमिनल वगैरह जाकर वो नहीं चला पाता। ठीक है, थोड़ा सा जिला है उसको अगर चला रहे हैं तो उसके लिए इतना बड़ा एग्जाम देना पड़ता है, किसी से ज़्यादा एग्जाम भारत का वो एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ जिला को मिलता चलाने। मेरा हम चाहते हैं कि ऐसा कोई एजुकेटेड हो पर्सन जो स्टेट को चला सके अच्छा से और शिक्षा को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सोच सके। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश मैथ्स आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5-12। कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832239611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुद्धा हजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। यहाँ तक कि OBC से संबंधित छात्र भी सेवाओं में आरक्षण के खिलाफ है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। आइए सेवाओं में आरक्षण के खिलाफ एक छात्र के विचार से परिचित हो। कंपटीशन का क्षेत्र में का दोनों को बराबर देखना चाहिए, चाहे जनरल हो, OBC हो, ST हो, SC हो, जो भी होता है। क्या है कि जनरल रहता है जितना ही पढ़ता है, अगर दोनों कंपटीशन बराबर ही रहता है तो SC ST के लिए मेरा कि SC ST या OBC देना है तो उसका आर्थिक कंडीशन पे, तो अगर जॉब है तो उसके घर में राशन पहुंचा, ये सब हो, क्योंकि माइंड SC ST ST का दिमाग उसका भी सोच वही है, मेरा भी सोच वही, लेकिन उन लोग को ज्यादा छूट दिया जाता है। हम भी OBC ब्लॉक करते हैं, पर अगर देखा जाए तो हमको अगर एक कंडीशन आपको सबको एक साथ लाना है, मैं को उससे बस यही कि पैसा छूट दो, टिकट दे दो, टिकट घर में भेजवा दो, सब छूट मिलता, सब चीज का छूट। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830। भारत के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर विचार बिल्कुल स्पष्ट है।
पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो हम लोग को पश्चिम बंगाल का स्वदेश खाली पता है, लेकिन यूपी में हाथरस है, नोएडा है, गाजियाबाद है, वहाँ भी लड़कियों के ऊपर अत्याचार वाली घटनाएं लगातार घटती हैं। तो इस मामले में चूंकि तुम लोग लड़की हो और पढ़ रही हो तो तुम लोगों का क्या विचार है? मेरा यह विचार है कि मतलब ये सब जो मामला होता है, मतलब कि अगर कोई पिता अपने बेटी को मार देता है या क्योंकि कोई मतलब लड़का हो या कुछ भी हो या बड़ा बड़ा मतलब जो पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं वो लोग मतलब किसी के दबाव में आके किसी का खून कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उसको मतलब बहा वहा दिया जाता है, तो ये सब को मीडिया में नहीं दिखाया जाता क्योंकि मीडिया वाले को मेरा सोच के अनुसार मीडिया वाले को पैसा दिया जाता है कि आप मतलब इस सब को ना दिखाएं, ये सब को छुपा के रखें। अगर आप छुपा के रखेंगे तो हम आपका मतलब वो सब पैसा वैसा के चलते मतलब अपना मीडिया में ये सब को चर्चित होने नहीं देते। किसी किसी के पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, किसी किसी के पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो कि मतलब ये सब को बोलते हैं कि नहीं मुझे मीडिया में नहीं दिखाना। तो इसीलिए हम लोगों का सोच या फिर मीडिया हो या फैमिली का सोच ये सब बहुत ज़्यादा ये सब में बिलोंग करता है। आइए किसी अन्य विषय पर छात्र के विचार सुने। मेरा मकसद ये है कि सरकार जो कोई भी काम करे तो खास करके एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान रखे काम करें। ऐसे कोई भी काम करने से पहले वो एक प्लान बनाते हैं, एक प्लान को रेडी करते हैं। मेरा मैं भी चाहता हूँ कि कोई भी एजुकेशन के माध्यम में कुछ काम करे तो एक प्लान बना के उसके पर काम करें। प्लान नहीं बनने से कुछ काम को सफल अच्छे से हो नहीं पाते। इसलिए एजुकेशन सरकार ऐसा होना चाहिए कि ऐसा क्रिएट हो ऐसा सरकार हो कि जो शिक्षा के माध्यम में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। जो वैकेंसी अदर स्टेट में ज़्यादा है तो बंगाल में भी उस हिसाब से रहना चाहिए, कम से कम तो एक और होना चाहिए वैकेंसी का पॉइंट। और इससे वैकेंसी ज़्यादा रहेगा तो सरकार ऐसा होना चाहिए तो वैकेंसी पर काम करें, शिक्षा के माध्यम पर काम करें। अब अंत में समय है मूवमेंट के एसएमएस का। लिसन टू योर टीचर्स व्हेन दे टेल यू व्हाट टू डू, बट मोर इम्पोर्टेंटली थिंक अबाउट इट लेटर एंड आस्क योर सेल्फ व्हाई दे टोल यू टू डू इट। जब आपके शिक्षक आपको बताए कि क्या करना है तो उनकी बात सुने, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाद में इस बारे में सोचें और अपने आप से पूछें कि उन्होंने आपको ऐसा करने के लिए क्यों कहा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।